हेलो एवरीवन, सरदार पटेल विद्यालय जो कि बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ से जो है वो वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की, पार्ट टाइम टीचर्स की भी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो सभी जो है 15 दिन के अंदर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। बिना अनुभव के भी जो है आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेन वेबसाइट पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और एडवर्टीजमेंट डाली गई है वो हम चेक कर लेते हैं। सरदार पटेल विद्यालय, तो ये जो है विद्यालय दिल्ली में है और यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप लोगों को फिल करना है और स्कूल की जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सरदार पटेल विद्यालय लोधी स्ट्रीट न्यू दिल्ली। इसकी जो है पहले भी वैकेंसी आई थी जो कि मैंने वीडियो बना के आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। लोधी स्ट्रीट न्यू दिल्ली से एक और बड़े स्कूल की वैकेंसी आई थी, तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, टीजीटी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री की है और पीआरटी में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। पार्ट टाइम टीचर थिएटर टीचर की वैकेंसी है और स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर सीबीएसई बाय लॉ। तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल के, तो जो भी नियम यहाँ पर लागू होते हैं, सैलरी, एज क्राइटेरिया, सारी चीजें वो सब जो है यहाँ पर भी लागू होंगे। ऑल एप्लीकेंट विद एन आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड आर इन्वाइटेड टू अप्लाई एंड एक्सपीरियंस ऑफ 3-5 ईयर विल बी एन एडिड एडवांटेज। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का तो उनको यहाँ पर और भी बेनिफिट दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद इन 15 डेज ऑन द स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल की मेन वेबसाइट है, 15 दिन के अंदर ही जो है आप लोगों को एप्लीकेशन कर देनी है। ईमेल आईडी ये स्कूल की दी हुई है, तो आप लोग एप्लीकेशन जो है फिल करके और इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। 15 दिन के अंदर ही कर देना, क्योंकि अगर आप 15 दिन के बाद करते हैं तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिलेगा, लिंक टू ओपन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म क्लिक हेयर थे, इस पर जो है आप लोग क्लिक कर लेंगे और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसे जो है वो आप अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे, लास्ट में सबमिट का ऑप्शन होगा और यहाँ पर आप लोगों को सबमिट कर देना है, ठीक है। और जिस दिन आप लोगों को कॉल आएगा या ईमेल आएगा तो आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी जरूर निकाल लें और इसके साथ में जो है स्कूल में पहुँच जाएंगे। बस इतना ही करना है। सी टेट जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी टेट बिल्कुल भी नहीं लिखा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में किया होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएड कंपलसरी होना चाहिए। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है 12th के साथ में डीलेड, बीटीसी, एसटीसी है, तो आप यहां पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है एसटेट या सीटेट जो है यहां पर कंपलसरी नहीं किया गया। यहां पर अगर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मेन वेबसाइट पर जो भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोगों को स्कूल का शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाकर डायरेक्ट स्कूल की मेन वेबसाइट पर आ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।